ये आत्मा कहाँ रहती है? जिसमें भी प्राण है इस संसार में, वो सब में आत्मा रहती है। जिसमें भी प्राण है मतलब जो भी जीव है, वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, समुद्र में रहने वाले प्राणी हो, जंगल में रहने वाले हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो, गुल्म हो, लता हो, जिसमें भी जीवन है उन सब में आत्मा है। पुरुष में भी है, स्त्री में भी है, जिसमें भी लाइफ है वो सब में आत्मा है। वो सब हमारे जैसे होते हैं। फिजिकली हो सकता है हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग लेबल के हैं। मनुष्य अलग है, पशु पक्षी अलग है, पेड़ पौधे अलग लेबल के हैं। फिजिकली हमारी सब अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग अरेंजमेंट है, पर स्पिरिचुअली आत्मा की दृष्टि से हम सब एक ही हैं, एक ही टाइप के हैं। वो पेड़ पौधा हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, वो सब हम एक ही टाइप के हैं। वो जो आत्मा है, इसका पहचान क्या है, कैसे पता चले कि इसमें आत्मा है? कोई मार्क हो, साइन हो, चिन्ह हो, तो महर्षि चरक आयुर्वेद में लिखते हैं, सांस लेना छोड़ना, आंखों के पलकें झपकना खोलना, जीवन होना ज्ञान होना, गलत हो सही हो, ज्ञान के जितने भी पांच तरह के फॉर्म है उनमें से कोई भी एक फॉर्म होना, इंद्रियों का मूवमेंट होना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के प्रति इच्छा होना, अच्छा लगना या बुरा लगना, खुश होना या दुख होना, कुछ एफर्ट्स कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ एफर्ट्स, स्थिरता, बुद्धि होना, मतलब सोचने समझने की शक्ति होना, मेमोरी, स्मृति, कोई चीज आपके एक्सपीरियंस में आता है वो आपके मेमोरी में रहता है, ईगो, मैं हूं, इस चीज का भान होना, ये सब आत्मा होने के लक्षण है। इनमें से कोई एक भी हो, इसी तरह न्याय दर्शन बताता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान अन्यात्मनो लिंगमिति, वही चीजें जो आयुर्वेद में कहा, उस लाइक करना डिसलाइक करना, कुछ चीजें पाने की इच्छा करना, कुछ चीजें छोड़ने की इच्छा करना, एक्टिविटीज होना, फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, सुख और दुख को फील करना, ज्ञान होना। इसी तरह वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि लिखते, प्राणापान निमेशो उन्मेष मनोगत इंद्रियांतर विकार सुख दुखे इच्छा द्वेष प्रयत्नश्चात्मनो लिंगानि, सांस लेना सांस छोड़ना, आंखों के पलक झपकाना खोलना, इंद्रियों का विकार मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट में जाना, मन की मूवमेंट, मन सुख और दुख को फील करना, इच्छा और द्वेष चीजों को पाने की चाहत रखना, ये इच्छा चीजों को हटाने की इच्छा रखना, द्वेष रखना, प्रयत्न कुछ एफर्ट्स करना, ये सब आत्मा के लिंग है। ध्यान रखिए, ये जितने भी हमने अभी शब्द यूज किया, ये आत्मा के क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटीज गुण जिससे पता लगता है कि आत्मा है। वैसे आत्मा तो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, आप आत्मा को जान नहीं सकते इंद्रियों से। कोई कहे दिखाओ आत्मा कहाँ है, अब खोल ताड़ के थोड़े ही दिखाओगे, हनुमान की तरह सीना फाड़ दोगे, देखो राम दिख रहे हैं, राम लक्ष्मण दिख रहे हैं, ये नहीं होने वाला। आप सीना फाड़ोगे तो आत्मा नहीं दिखाई देगी। इसीलिए साइंटिस्ट आत्मा को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको कहीं दिखता नहीं है, कुछ है कुछ दिखेगा नहीं, पर इसकी साइन है। एक डेड बॉडी में एक लाइव बॉडी में क्या अंतर है? एक डेड बॉडी में कोई भी इनमें से कोई भी मार्क या साइन नहीं दिखेगा, और जिसमें दिखेगा वो जिंदा है। व्यक्ति कितना भी नास्तिक हो, आत्मा को मानता हो नहीं मानता हो, कितना भी नास्तिक हो, एक ही समय पर तो अनजाने में वो आत्मा को मान ही बैठता है। उसके पिताजी या माताजी का डेथ हो गया, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, शव पड़ा हुआ है, क्या कहता है? पिताजी की शरीर को हमने जलाया, कोई बोलता है पिताजी को जलाया? पिताजी के शरीर को जलाया। जिंदगी भर क्या बोलता रहा? ये पिताजी है, ये पिताजी है, ये पिताजी है, मतलब पूरी जिंदगी वो बॉडी को उसने रिलेशनशिप के साथ जोड़ा। पर एक समय आया जहां वो सच कबूल करता है, ये पिताजी नहीं है,
ये माँ नहीं है, ये भाई नहीं है, ये बहन नहीं है, ये पति पत्नी बच्चा नहीं है, ये उनका शरीर है। याद रखिए उद्दालक और श्वेत केतु की संवाद में वही बात तो थी। डेड बॉडी का मतलब आत्मा होने का अब कोई सिम्टम नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें।